ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ನಾಯಕರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 2002 ರಿಂದ 2012 ರವರೆಗೆ MIM ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ सैयद मंसूर अहमद खादरी सर जो आपने 2002 में जो MIM ज्वाइन किए थे सर उसके बारे में कुछ जी ज्वाइन तो किया था आप कितने साल MIM में डिस्ट प्रेसिडेंट होकर काम किए सर मैं 10 साल तकरीबन 2012 में मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया जी तब से लेकर मैं 2022 तक MIM का प्रेसिडेंट था अभी कुछ दिन पहले जो है ना मैंने MIM को रिज़ाइन कर दिया सर क्या वजह हो सकता है आप MIM रिज़ाइन करने का बहुत सी वजूहात हैं जब मैंने रिज़ाइन किया तभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो इलेक्शन हुए म्यूनसिपल इलेक्शन जो हुए उसमें जो हमारे इंचार्ज बनकर आए थे और पार्टी की तरफ से जो जो बातें हुई वो थोड़ा हमको हर्ट करी क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ मेहनत कर रहे थे यहाँ पर मेहनत करने वालों की कोई राय नहीं दी गई उनको अहमियत नहीं दी गई अपनी मनमर्जी से आए हुए इंचार्ज लोग अपने अपने तौर पर जो है ना कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए और यहाँ की कराई भी मेहनत पे पानी फेर दिए दरअसल वो कांग्रेस के एजेंट थे उन्होंने अपना काम किया और फिर इस तरह हमने महसूस किया कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो हमको जो है ना जो आज़ादी मिलनी चाहिए हमको काम करने के लिए जो सहूलत होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत से रीज़न्स रहे हैं जिसको मैंने अपने रिजिग्नेशन में बयान किया है उन तमाम बातों की वजह से मैंने जो है ना MIM छोड़ दिया सर थोड़े बहुत बीदर के आवाम जो थे तो उन्होंने बोल रहे थे कि मंसूर अहमद खादरी साहब जो अच्छे हमारे सदर है उनको रहना चाहिए था लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में आके रिजिग्नेशन दिए बोल के उन्होंने बोल रहे थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर मेरी जल्दबाजी की कोई बात नहीं मैंने बहुत आराम से बहुत इत्मीनान से सोच समझ कर रिज़ाइन दिया है कोई जल्दबाजी नहीं की मैंने मैं इन सारी बातों को जो मेरे मन में थी सारी बातें रिजिग्नेशन लिख कर पहले तो 15-20 दिन मैं टाइम दिया हमारे सदर साहब को कि शायद वो पढ़कर जो है ना हो सकता है कि वो इसके ऊपर बात करेंगे और हो सकता है कि हमको रिज़ाइन वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े लेकिन सदर साहब ने उस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी पार्टी के इंचार्ज को पार्टी के सेक्रेटरी को भी मैंने वो लेटर दिया लेकिन किसी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया जहाँ पर कोई इज्जत ना हो कोई रिस्पांस ना हो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सदर को ही अगर जो है ना पार्टी के लोगों से मुलाकात करने या फिर उनको रिस्पांस नहीं मिलता तो आम वर्कर जो पार्टी से जुड़ कर काम करता है उसको क्या रिस्पांस मिलेगा इसीलिए जो है ना मैंने टाइम दिया बाज़ाब्ता देने के बाद ही मैंने रिज़ाइन किया कोई जल्दबाजी में रिज़ाइन नहीं किया मैं अभी मंसूर अहमद साहब का जो कहने का है तो अभी लोगों में दोस्त थोड़े बहुत आवाम कह चुके हैं सर अभी अगर MIM आप छोड़ चुके तो अभी दूसरा कुछ पार्टी में आप ज्वाइन होने वाले हैं क्या कुछ अभी ये मैंने कोई फैसला नहीं किया क्योंकि हमारे पेशे नज़र सेल्फ बेनिफिट नहीं रहता हम जो काम करते हैं वो कौम और मुल्क के लिए काम करते हैं जो बात कौम और मुल्क के लिए भली मालूम होती है हम वही काम करते हैं हम अपना फ़ायदा कभी किसी मामले में नहीं देखे इसलिए हम जो है ना इंडिविजुअल बेनिफिट की तरफ कभी जाते नहीं हमारी कौम का फ़ायदा मुल्क और कौम का फ़ायदा जिस चीज़ में है हम वही काम करते हैं ऐसा अभी मुझे समझ में नहीं आया कि कोई जमात जो है ना हमारे इस मशीन को लेकर चलेगी या किसी जमात में ज्वाइन होने के बाद हम अपने जो टारगेट हैं जो मोटिव है उसको वो जमात में हम अपना कर सकते हैं अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया इसलिए कोई जमात मैंने अभी ज्वाइन नहीं की सर अभी जो आप अभी लीडरशिप से थोड़ा बहुत MIM से रिज़ाइन ले चुके हैं तो अभी जो थोड़े बहुत बीदर के जो गरीब लोग हैं तो उनका अभी कुछ अगर आप आपके परस अगर उन्होंने कुछ विश्वास रख के आए तो ये हमारे खादरी साहब हमारे काम करके देंगे बल्कि उनके विश्वास से अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे सर आप ये अभी आपके हाथ में तो कुछ हुकूमत नहीं है
देखिए MIM कोई हुकूमत में नहीं थी पार्टी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, हम कभी हमारे तक आने वालों को निराश नहीं करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यह है कि हम जो है ना लोगों की सेवा करें, मानवता की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। और बाहर आप बोर्ड देख सकते हैं, MIM का हटा है तो खिदमत फाउंडेशन का जो है ना बोर्ड लगा है। ये एक NGO है जो खिदमत फाउंडेशन में चलाता हूँ ज़माने से, और उसके तहत लोग जो है ना हमको सपोर्ट भी करते हैं, डोनेशंस वगैरह भी देते हैं, और हम लोगों की हर मुमकिन मदद करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। इवर हेवे इवर हर साकु NGO नन यद पार्टी आवश्यकते नान न मेले यार भरोसे बरतार जो सीरी नानवर जो केसमती नान इन यदे पार्टी की सीरों बे नान योचने अंत हेल्ता। ये जो आपने भारत एक्सप्रेस के नाम से जो एक नया चैनल लॉन्च किया है, ये लीड इंडिया का फ्रेंचाइज शायद है, ये मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से लोग, चूँकि आजकल ये सोशल मीडिया एक माध्यम बन गया है पब्लिक और लीडर के, या फिर उन लोगों के बीच में जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस तरह ये भी एक ज़रिया अच्छा बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये भारत एक्सप्रेस बहुत ही लोकप्रिय हो जाएगा, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हौसलों को बुलंद रखे। मेरी एक ही कहना है कि अक्सर जैसा इल्ज़ाम लगता है हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया पर, जैसे कि वो गोदी मीडिया बनकर रह गई है, और दूसरे कुछ मीडियाज़ हैं जो चैनल्स हैं वो अपने अपने पर्टिकुलर जो है ना काम करते हैं, मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप किसी एक के बनकर ना रहें, बल्कि अवाम के हक़ में जो कोई भी जो कुछ भी बात करता है, हर एक की हर बात को आप लोगों तक पहुँचाएँ और सभी के लिए लोकप्रिय बनकर रहें। थैंक यू सर। नमद वो भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चानल बीदर जिले के अदर बे तुम्हारे मतदीर इे ता निरंतर सूदिगे नोड़ता है भारत एक्सप्रेस नानु विश्वनाथ गायकवाड़ बी।